सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम यानी कि सुनीता का। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत और इस टाइम पे जो है मैं अपना चौकी की पुताई करने वाली हूँ। और अगले ब्लॉग में जैसे कि आप लोगों को दिखाई थी कि हमारा चूल्हा जो है वो फटा हुआ है, तो एक हमारी प्यारी सी फ्रेंड्स ने कहे हुए थे कि आप जो है बहन गोबर से पुताई कर देना, जो चूल्हे फटे हुए हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, इसलिए आज जो है मैं बाहर की चूल्हे को ही पुताई कर रही हूँ और इसी से आज खाना सब्जी जो है पकेगा। तो चिकनी मिट्टी से ही पुताई कर दे रही हूँ, उन्होंने कहा था गोबर से कर देना, लेकिन मैं जो है चिकनी मिट्टी से ही कर दे रही हूँ क्योंकि चूल्हे की पुताई हमें चिकनी मिट्टी से ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, दिखने में भी प्यारा लगता है चूल्हा हमारा चिकनी मिट्टी से पुताई करने के बाद में, और सूख जाने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है उसका कलर। तो इसलिए मैं उसी से पुताई कर दे रही हूँ और दोनों चूल्हे को कर दे रही हूँ, उसके बाद ही आग जलाऊंगी। तो आप सभी फ्रेंड्स आज की ब्लॉग में ना कंटिन्यू बने रहिएगा और जो है आज मैं कुछ अलग आप लोगों को दिखाने वाली हूँ और थोड़ी सी घुमाने को भी ले जाऊंगी फ्रेंड्स हमारे गाँव के जंगल के पास में, जहाँ से हम लोग काला मिट्टी लेकर के आते हैं। तो आप लोग फुल एंजॉय कीजिएगा और बताइएगा भी कि लगता कैसा है हमारा ब्लॉग। वैसे तो आप लोग हर रोज़ हर ब्लॉग में आप लोग हमें बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और जो हमें आता नहीं है आप लोग उसे भी बताया करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स। इसी तरीके के साथ ना हमारे साथ में प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा और हमें जो कुछ भी नहीं आती है उसको आप लोग प्लीज़ बताया भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से हमें बहुत सारी बातें जो है सीखने को मिली हुई है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में रह करके, आप लोगों की बातें सुन करके, और कुछ कुछ सीखने को भी, कुछ कुछ नहीं बहुत ज़्यादा सीखने को मिल गए हैं हमें जब से इस YouTube पर आई हूँ। थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा सा चेंज सा लगता है हमें, हमारा घर भी अच्छा लगता है और कहीं आने जाने में भी थोड़ी सी अच्छी ही लगती है, क्योंकि बात जो है पहले से बहुत कुछ सीखने को भी मिल गया है और रहन सहन थोड़ी सी अलग सी हो गई है हम लोगों की, तो थोड़ी सी चेंज सा लगता है। और देखने से भी लोग बोलते हैं कि अब जो है तुम्हारा घर और तुम लोग थोड़ी सी पहले से अच्छे खासे रहते हो, ऐसे कहते हैं। बट उन लोग को पता नहीं कि हमें कौन सीख दे रहा है, कहाँ से हमें सीख मिल रही है। तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स हमें ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, और जो है आप लोग बहुत सारे हमें प्यार आशीर्वाद देते हैं, बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। तो हम ना फ्रेंड्स मॉर्निंग का सारा काम कर लिए थे और जो है झाड़ू वगैरह जितना करना था, पानी सब लाना, तो सारा चीज़ मैं ले आई थी और हमारा आग जल चुका था और झाड़ू कर रही थी उस टाइम पे हमारा आग तो जल ही रहा था, धुआं निकल रहा था, जो कि आप लोग देखे भी होंगे जिधर झाड़ू कर रही थी उधर भी जा रहे थे धुआं। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन पे, तो यहाँ पे ना खाना मेरा बन चुका था और जो है मैं सब्जी बना रही थी, तो बस थोड़ी सी आप लोगों को दिखा रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं दिखा रही हूँ। तो हमारा सब्जी ना वो भी मैं पका चुकी हूँ, सब्जी को बोलना चाहिए उसको उबाल ली हूँ, लौकी की सब्जी है, तो उसमें जो है टमाटर भी मैंने डाल दिया है और उसको भी गीला कर दी हूँ, उसके बाद उसको फ्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने जितना भी डालना था लहसुन प्याज, उसको डालने के बाद जो है अपना मसाला है उसी को भून दे रही हूँ, और हमारा मसाला भी भुना चुका था, उसके बाद जो है डाल दी हूँ अपना सब्जी को फ्रेंड्स। तो ऐसे बना करके खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और हल्दी की खुशबू बहुत ही अच्छा आता है, अच्छे से भुनाया हुआ रहता है। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों अभी जो है ना सुबह का सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और जो है हम ना खाना भी खा चुके हैं और इस टाइम पे लगभग 10 बज गए हैं और आज हम लोग ना कहीं जा रहे हैं फ्रेंड्स जंगल पे, और आज आप लोगों को ना वो भी दिखाऊंगी, जंगल साइड ही है काला मिट्टी जो कि पानी भरा हुआ होगा, लग तो रहा है गए तो नहीं है अभी, लेकिन जब निकाल करके लाए उस टाइम पे तो पानी काफी ज्यादा भरा हुआ था, तो अभी भी हो सकता है पानी होगा, तो दिखाऊंगी आप लोगों को वहां जा करके। और हम लोग ना क्या लेने के लिए जा रहे हैं जंगल वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी।
तो आज जो है छोटी के पापा जी काम करने के लिए नहीं गए हैं, घर पे हैं, तो हम लोग आज साथ में ही चलेंगे। और इधर देखिए हमारी छोटी जो है जंगल जाने के लिए रेडी हो गई है। ये देखिए हमारा गुंडरिया पकड़ के, गुड मॉर्निंग बोलो बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ, सबको गुड मॉर्निंग बोल रही है। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स। तो मैं पहले दरवाजा बंद कर देती हूँ। और आज जो है उतना ज्यादा धूप भी नहीं है और उतना ज्यादा छांव भी नहीं है। तो ये देखिए अभी तो धूप निकला हुआ है थोड़ा सा, नहीं तो वैसे तो छांव ही था। और यहाँ देखिए हमारा मुर्गियाँ, छोटी छोटी चूजा निकलाई हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही प्यारा प्यारा है, देखिए। चलो तो हम लोग जा रहे हैं। और मौसम देखिए बहुत ज्यादा खराब सा लग रहा है, तो बने रहिएगा और जा करके दिखाती हूँ काला मिट्टी और जो है जंगल का नजारा थोड़ी सी दिखाएंगे, और क्या लेने जा रहे हैं वो भी दिखाएंगे। चलो आगे आगे चलो तुम। चल तो देखिए हम लोग जंगल के पास जो है वो पहुंच गए हैं, और उसके पापा जी आगे ही आ गए हैं और छोटी के साथ हम लोग पीछे रह गए थे। एकदम सुनसान जगह लग रहा है, एकदम सुना सुना सा लग रहा है पूरा जंगल। चल और बहुत ज्यादा ना हरा भरा है, देख सकते हैं आप लोग पूरा पेड़ पौधा कैसे लग रहा है। चलो अकेले आने में इसीलिए डर लगता है बहुत ज्यादा, मतलब झाड़ है ना इसीलिए अकेले नहीं आती हूँ। तो उसके पापा जी पहले आए हुए हैं, हम लोग को बोले आना, मैं जा रहा हूँ आगे। ये देखिए वहां पे आके बैठे हुए हैं पेड़ के पास हम लोग से पहले। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए इधर बैठे हुए हैं। चलेंगे कि बैठे रहिएगा? पहुंच गए जंगल साइड पे, और देखिए जंगल का व्यू कैसा लग रहा है, बड़ा बड़ा पहाड़। ये देखिए ऐसा है, और हमारी छोटी उधर है, और आप लोगों को काला मिट्टी दिखाती हूँ मैं। चलिए आ जा छोटी। देखिए पूरा पानी भरा हुआ है इसमें, दिख रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, जहां से काला मिट्टी लेकर के जाती हूँ वहां पे।
ये देखिए यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये देखिए पूरा गिल्ला है और इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं कंकड़ सब भी मिक्स है, तो थोड़ा सा उतना चिकनाई नहीं दिखाई दे रहा है। इसी को ले जाते हम लोग और आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हो काला मिट्टी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है एकदम काला, देख रहे हैं देखिए सूखा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अभी बारिश में, फिर बारिश होगी ना पूरा भर जाएगा, यहाँ पूरा भर जाता है, पूरा का पूरा इधर पूरा भर जाता है। हाथ को धुल लेते हैं, अब चलते हैं जंगल साइड पे, जो लेने के लिए आए हैं उसको लेकर के जाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। काको इसको दो, नहीं पा रही पकड़ने। अच्छा कहाँ? तेरा पापा किधर चला गया? हाँ कहाँ कहाँ चले जाता है रे, बहुत ज्यादा धूप निकला है, जल्दी जल्दी चलो घर जाते हैं। चला छोटी, मिलेगा उधर पेट दुख रहा है, खाते खाते आई है, बोली ना मत जाओ, फिर क्यों आई हम लोग के साथ? बोली ना खेलते रहेगी घर के पास, तो आ गई तुम, चलो अब नहीं है इधर, फिर कहाँ जाए जी? तो जिस चीज को हम लोग लेने के लिए आए थे जंगल पे वो हमें मिल गया था और हम लोग ना वहां से वापस आ रहे थे, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी दिखा दे रही थी, मैं उन लोगों से पहले उतर गई थी और मैं भी ढोई हुई थी, तो अपने आप को दिखाने के लिए हमें नहीं बन रहे थे क्योंकि रस्सी लेकर के तो गए नहीं थे, बस एक जो गुंडरिया कहते हैं वो लेकर के गए थे, तो वो सिर पे रखी हुई थी। तो हमारी छोटी जो है ना वो कैसे उतर रही थी देखिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा जाएगी जैसे लग रहा था लेकिन गिरी नहीं, संभल संभल करके आ गई। तो आप लोग बने रहिएगा और हम लोग जा रहे हैं घर की ओर, तो और मैं ना खड़ा है घर पहुंचने के बाद ही दिखाऊंगी क्योंकि हमें बन नहीं रहा, हम भी ढोए हुए हैं। तो फाइनली हम लोग घर के पास पहुंच गए और हमारा लकड़ी में उधर रख दी, और इधर देखिए उनके पापा जी क्या लेने के लिए गए थे फ्रेंड्स, इसी को हम लोग लेने के लिए गए हुए थे। यहाँ पे ना हमारा केला जो है वो फला हुआ है और जो केला है वो मतलब गिर जा रहा था, तो थोड़ा सा डंडे को एक को अटकाए हुए थे फिर भी से गिर जा रहे थे, तो फिर से लेने के लिए चले गए बड़ा वाला और उसी को मतलब अच्छे से कर दे रहे हैं ताकि गिरे ना, जब फल आए तो झुक गए थे इसलिए इसको लेने को चले गए थे, और पानी गिर जाएगी तो नहीं लाने को बनता इसलिए आज ही चले गए थे हम लोग, क्योंकि आज बहुत ज्यादा मौसम भी खराब था, आ भी सकते थे बारिश, इसलिए हम लोग चले गए थे आज ही,
तो देखिए इसको अच्छे से कर दिए हैं। अब हमारा केला जो है वो नहीं गिरेगा, बड़ा सा लेकर के आए और कर दिए। उसके बाद ना दोस्तों यहाँ पर दोपहर का टाइम हो चुका था और अचानक से इतने जोर की बारिश होने लगी, जो कि आप लोग देख सकते हैं हमारा आंगन पूरी तरह से लबालब भर चुका और हमारा बरंदे की तो पूरी हालत ख़राब हो गई देख सकते हैं। और मतलब हवा चल रहे थे इसी कारण से पूरे बरंदे पे पानी जो है वो हो गया और काफ़ी ज़्यादा आए हैं पानी बारिश देख सकते हैं आप लोग और आ भी रही हैं बहुत ज़्यादा। और इधर दिखा रही हूँ आप लोगों को और इधर जो है हमारा चूल्हा भी ख़राब हो गया है और इसी ने सुबह में बनाई थी तो राख भी नहीं फेंकी हुई थी, वैसे ही पड़े हुए हैं। और इधर देखिए खेत खनियाल सभी में पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। और आज ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सुकून मिला, इतना अधिक बारिश हुई कि हमें बहुत ज़्यादा ठंडक भी पहुँचा हुआ है, क्योंकि गर्मी से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। काफ़ी दिनों के बाद जो है आज बहुत ज़्यादा बारिश हुए हैं, तो ऐसे लग रहे हैं कि आज ही से मतलब बारिश स्टार्ट हो रही है हमारे यहाँ पे, ऐसे लग रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा बारिश हुए देख सकते हैं, पूरा का पूरा जो है पानी सब तरफ भर गया है और हमारा चूल्हा तो पूरी तरह से भींग ही गया है। और एक चूल्हे को मैंने ढक दिया है जहाँ पे पानी गिर रहा है उसको, क्योंकि एक फ्रेंड्स हमें बार बार समझाते थे कि बहन आप अपने चूल्हे को ढक दिया कीजिएगा, ऐसे कहते थे। तो फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में,